सो हाय गाइज, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस फिट है। गाइज, अगर आप SSD यूज कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप्स में, ज्यादातर यूजर सब SSD यूज करने लगे हैं और उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में एक ऐसी सेटिंग मैं आपको बताऊंगा जो आपके सिस्टम में ऑन होनी चाहिए अगर आप अपनी SSD से मैक्सिमम परफॉर्मेंस आप अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो स्पीड हो चाहे वो परफॉर्मेंस हो। और उस सेटिंग के जरिए हम ये चेक करेंगे कि आपके सिस्टम में SSD का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसका नाम होता है ट्रिम, SSD ट्रिम, वो अनेबल है या नहीं। सबसे पहले मैं आपको SSD ट्रिम के बारे में बता देता हूं कि SSD ट्रिम क्या है। तो दोस्तों, SSD के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कमांड यहां पे परफॉर्म की जाती है जिसका नाम होता है ट्रिम। ट्रिम क्या काम करती है? सपोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर आप अपने SSD से कोई फाइल डिलीट करते हैं, तो जब वो फाइल डिलीट हो जाती है तो वहां पे एक ब्लैंक डेटा ब्लॉक वहां पे रह जाता है जो कि रीयूज होने के लिए तैयार रहता है। यानी कि जब भी आप कोई नेक्स्ट फाइल उसमें राइट करेंगे, कॉपी या पेस्ट करेंगे, तो वो फाइल उस ब्लॉक पे जाके ठहर जाएगी। लेकिन जब तक वो ब्लॉक फिजिकली पूरी तरीके से इरेज नहीं होगा, तब तक आप उस SSD से मैक्सिमम परफॉर्मेंस अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो डेटा ब्लॉक है वो बार बार रियूज होता रहेगा। फ्रेशली हम कोई भी डेटा अलग से इंस्टॉल नहीं कर पा रहे, लेकिन उस डेटा ब्लॉक के रियूज होने की वजह से वो एक दिन फ्रेगमेंट हो जाएगा और फिर आपके SSD की परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट पड़ने लगेगा, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस लो हो जाएगी। तो SSD के लिए ट्रिम उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना HDD के लिए डीफ्रैग इंपॉर्टेंट था। तो डीफ्रैग, अगर आप HDD यूज कर रहे हैं तो डीफ्रैग के लिए मैंने आपके लिए डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो यहां पे हम ट्रिम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप SSD यूज कर रहे हैं तो ट्रिम फंक्शन या फिर ट्रिम कमांड आपकी SSD के लिए अनेबल है या नहीं है, तो वो कैसे चेक करना है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले तो आप सर्च में जाएंगे और CMD टाइप करेंगे और राइट क्लिक करके आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे। एडमिनिस्ट्रेटर से आप इस कमांड को रन करेंगे और यहां पे आप लिखेंगे FSUTIL, ठीक है, UTIL, देन स्पेस देंगे, देन बिहेवियर, देन स्पेस क्वेरी, क्योंकि हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर कमांड या फिर पर्टिकुलर फंक्शन हमारे सिस्टम में अनेबल है या नहीं है। देन उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको किस तरीके से SSD पर ये रन करना है या ऑटोमेटिकली कैसे रन होता है, ठीक है। तो FSUTIL स्पेस बिहेवियर स्पेस क्वेरी, देन यहां पर आप लिखेंगे डिसेबल डिलीट नोटिफाई, ठीक है। जस्ट आप ये लिखेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। एंटर बटन प्रेस करते ही आपकी SSD से आपको ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ये इंफॉर्मेशन आपको तभी मिलेगी जब आप अपने सी ड्राइव यानी कि सिस्टम ड्राइव में आप SSD यूज कर रहे हैं। तो NTFS डिसेबल डिलीट नोटिफाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। डिसेबल डिलीट नोटिफाई का मतलब है कि ये जो चीज है डिसेबल है या नहीं है, तो यहां पे 0 लिखा रहा है, दैट मीन कि डिसेबल नहीं है, दैट मीन कि जो ट्रिम फंक्शन है, ट्रिम कमांड है, वो अनेबल है। तो ये जो आपके पास आउटपुट है 0 आना चाहिए, अगर ये 1 है तो दैट मीन कि ट्रिम फंक्शन आपके SSD पे अनेबल नहीं है और आपको उसको अनेबल कर लेना चाहिए अगर आप मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहते हैं अपने SSD से। मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर वो अनेबल नहीं है, अगर आपके यहां पे 1 शो होता है, तो आप उसको अनेबल कैसे करेंगे? तो जस्ट आपको सेम कमांड यूज लेनी है, FSUTIL स्पेस बिहेवियर, देन क्वेरी की जगह आपको यहां पे कर देना है सेट, ठीक है। इस बार आप सेट करना चाह रहे हैं सेटिंग को, और स्पेस देके यहां पे नोटिफाई के बाद स्पेस देके आप कर देंगे 0, देन एंटर बटन प्रेस कर देंगे, तब आपके पास यहां पे आ जाएगा NTFS डिसेबल डिलीट नोटिफाई इक्वल टू 0, दिस ऑपरेशन टेक इफेक्ट इमीडिएटली, नो रिबूट रिक्वायर्ड। ये आपके पास आउटपुट आ जाएगा, दैट मीन कि अब आपने ट्रिम जो कमांड है वो अनेबल कर लिया अपनी SSD पे। अब ये पता कैसे चलेगा कि जो ट्रिम कमांड है वो किस तरीके से हमारी SSD को ऑप्टिमाइज कर रही है, या फिर आपके सिस्टम में जो SSD लगी हुई है वो प्रॉपर तरीके से ट्रिम्ड है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए भी विंडोज ने आपको फीचर दे रखा है, ठीक है। तो आप कैसे चेक करेंगे? यहां पे अपने दिस PC में आ जाएंगे, ठीक है, जो आपकी सिस्टम ड्राइव है उस पर राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपके पास टूल्स आएगा, देन ऑप्टिमाइज आएगा। ऑप्टिमाइज में यहां पे आप चेक कीजिए और देखिए यहां पे आपकी जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है SSD है वो यहां पे आपको शो कर देगी मीडिया टाइप में कि कौन कौन सी आपकी SSDs है, ठीक है। जिस तरीके से मेरी सी ड्राइव SSD है, बाकी HDD है यानी कि हार्ड ड्राइव है, तो बाकी की जो हार्ड ड्राइव है वो ऑटोमेटिकली फ्रेगमेंट होंगी और SSD जो होगी वो ट्रिम होगी। यहां पे आप देख सकते हैं 0 डेज सिंस लास्ट रीट्रिम, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ये वीडियो बनाने से पहले अपनी SSD को ट्रिम किया, लेकिन फिर भी हम वापस से रन कर सकते हैं, जिससे कि हमने अगर कोई फाइल डिलीट भी करी है तो हम इसको वापस से रीट्रिम कर पाए। तो आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है,
देन ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना परसेंट ट्रिम्ड लिखा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने काफी समय से इस फीचर को ऑन नहीं किया है या फिर आपने फर्स्ट टाइम ऑन किया है, जो मैंने अभी आपको बताया ये चेक करने के लिए, तो आप इस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी SSD को फॉर मैक्सिमम परफॉर्मेंस। बाकी ये ऑटोमेटिकली भी ट्रिम्ड होता रहता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ आपके पास ऑनलाइन थर्ड पार्टी टूल भी आपको मिल जाते हैं, लाइक स्मार्ट डीफ्रैग वगैरह, जो आपकी SSD को ट्रिम करके ग्राफिकल इंटरफेस आपको शो करते हैं कि कितना डेटा उन्होंने ट्रिम किया, कितना डेटा अनट्रिम्ड है, ये सब चीज आपको पता लगती है। तो ट्रिम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इंपॉर्टेंट कमांड है आपकी SSD के लिए मैक्सिमम परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए। और मैक्सिमम परफॉर्मेंस से मतलब कहां पे, रीड और राइट दोनों में। अगर आप डेटा रीड भी कर रहे हैं और राइट भी कर रहे हैं तो दोनों में ही आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलेगी। तो ये सेटिंग आप चेक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं और देखिएगा जरूर और मुझे बताइएगा कि अनेबल है या नहीं है और आपने अनेबल करके ऑप्टिमाइज किया या नहीं किया और क्या इफेक्ट पड़ा आपकी स्पीड पे, SSD की परफॉर्मेंस पे, ये सब चीजें मुझे बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।